इज्जत और प्यार दोनों के लायक नहीं है बा और बरखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इस धारावाहिक में ये दो करैक्टर हैं जिनको बहुत इज्जत मिलती है, मगर ये दोनों ही इज्जत के लायक नहीं है। इतने सब षड्यंत्र करने के बाद बरखा वही है जहां उसको होना चाहिए, यानी कि जहां उसका मन है, और इतना सब कड़वा बोलने के बाद बा भी वही है जहां उसको होना चाहिए, यानी कि वो कुछ भी करे उनको कोई कुछ नहीं कहता है। आज की कड़ी में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बरखा और बा ने अपना अपना मैदान संभाला हुआ है। बा ने मालती देवी का जीना हराम किया हुआ है, और इधर बरखा ने ठाना हुआ है कि जब भी कोई अच्छा काम होगा, घर में अच्छा फंक्शन होगा, तो मुझे तो उस इंसान को टारगेट करना ही करना है जिससे कि अशांति फैले, और वो जिसको टारगेट करेगी वो सॉफ्ट इंसान होगा, मगर जो ताने हैं वो तो उनको जाएंगे जिनको वो देना चाहती है। जैसे कि आज काव्या वाला सीन हुआ, काव्या को वो प्यार मोहब्बत से बिठा रही है, लगा शायद बरखा केयर कर रही है, मगर उस केयर में क्या था, उस केयर में एक सच्चाई थी जो उस समय बोलना जरूरी नहीं था, और बरखा के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, क्योंकि बरखा ने किसकी सच्चाई को एक्सेप्ट किया है। बरखा तो खुद इतनी बड़ी पापन है कि वो दूसरे की तरफ उंगली उठा ही नहीं सकती, मगर फिर भी सच तो बोल ही रही थी बरखा। अब यहाँ पे सच के बोलने के बाद माहौल गड़बड़ हो गया, वनराज को गुस्सा आया, वनराज बाहर चला गया, क्योंकि हर चीज के लिए, हर रिश्ते के लिए तैयारी करना बड़ा जरूरी होता है, और ये तैयारी वनराज अंदर ही अंदर कर रहा है, और ये हम देख भी रहे हैं शाह हाउस में, छोटे छोटे इंसिडेंट से पता चल रहा है कि वनराज तैयार हो रहा है काव्या के बच्चे के लिए, मगर जब बीच में ये बातें आती हैं, बार बार ये सुनना पड़ता है कि ये बच्चा वनराज का नहीं है, तो दिल कहीं ना कहीं वापिस उसी जगह चला जाता है, और यही बरखा कर रही थी। अब यहाँ पे ये तो हो गया बरखा का काम, और बरखा को कोई मना नहीं करता है, जितनी मर्जी जुबान खोले खोलती रहती है, बस एक ही शब्द निकलता है, बस कीजिए ना भाभी, ऐसा मत कहिए ना भाभी। ये क्या है, क्यों नहीं बोलते हैं बरखा को, क्यों नहीं चुप कराते हैं कि आपका तो हक ही नहीं बनता इस मामले में दखल देने का। आप हो कौन जो इनके मामले में दखल दे रही हो, जो काव्य की तरफ से आवाज उठा रही हो, और ये मौका है इस आवाज को उठाने का, मगर कोई कुछ नहीं कहता। अनुज भी वनराज को समझाने चला गया, अपनी भाभी को नहीं समझाया कि भाभी चुप रहिए, ये मामला जो वनराज और काव्या के बीच का है, मगर नहीं, खैर ये है बरखा। और उधर जो बा आग लगा के आई है, वो मालती देवी को आत्महत्या करने तक मजबूर करके आई है, कैसी है ये औरत। और दूसरा यहाँ पे बैठी भी वनराज को यही कहे जा रही है कि जाओ अनुज से बात करो, उसको बोलो, मतलब आलती देवी का कोई अरेंजमेंट करे। बिल्कुल शर्म भेज के खा गए हैं ये दोनों करेक्टर, सच में बुरा लगता है कि एक बार भी पीछे मुड़के नहीं देखते हैं कि अनुज और अनुपमा ने क्या क्या किया है। अनुपमा और अनुज को तो एक बार ये बोलना भी नहीं चाहिए कि आपको मालती देवी की वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं तो वहीं पे वही बातें आपसे बार बार करती हूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है, इतना कुछ किया है दोनों करेक्टर्स ने इस शाह परिवार के लिए, मगर आज शाह परिवार के करने की बारी आई है तो हाथ खींच रहे हैं, बार बार ये चीज रियलाइज करवा रहे हैं कि हम इनकी मदद नहीं करेंगे, हम वही मदद करेंगे जो हमें सूट करती है। तो ये दोनों करैक्टर सच में, जो मैंने कहा आपसे, अगर आप सहमत है तो ज़रूर बताइएगा, ना तो इज्जत के लायक है ना ही प्यार के लायक है, क्योंकि ना तो इनको माफ़ी शब्द का मतलब पता है, ना इनको प्रायश्चित का मतलब पता है, ये जानते हैं तो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना मतलब निकालना। क्या कहते हो आप, बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.